इस वेले की अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट दे विच सब तो वड्डा फेरबदल होया है। मोदी की नवी कैबिनेट दे विच 43 मंत्री शामिल किए गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कैबिनेट विस्तार का प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन च बुधवार नूं पूरा हो गया। मोदी मंत्रिमंडल दे विच 15 कैबिनेट 28 राज मंत्रियों ने सहुं चुकी। राष्ट्रपति भवन विच आयोजित किए गए सहुं चुक समारोह विच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सारे कैबिनेट ते राज मंत्रियों नूं सहुं चुकाई। इस मौके राष्ट्रपति भवन दे विच पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई आगू मौजूद सन। मेहनत के साथ हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाए। सर लंबा इंतजार करना पड़ा आपको, अब इसके इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने वाला हूँ। हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ, कहा जा रहा है बड़ा विभाग पर कैसे खड़ा हो रहा मंत्रालय। देखिए आप मुझे जानती हो कि 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर। उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरा पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर महकमे के बारे में कोई जानकारी? किसी भी राजनेता के लिए बड़े ही हर्ष का और गौरव का विषय होता है, केंद्र के जो सरकार है उसमें मंत्री बने और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाई। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने? सर हाँ सवेरे से आप पूछ रहे हो, सुन लो जरा। ऐसा है ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे। मैं सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं भाई साहब जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ते। कैबिनेट विस्तार तो पहला कुल 12 नेतावां दे मंत्री परिषद तो अस्तीफिया नूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर कर लिया है। इन्हां नेतावां विच रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल ने। इस तो इलावा किरत ते रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगावर, रसायन ते खाद मंत्री DV सदानंद गौड़ा, सेहत ते परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सेहत राज मंत्री अश्वनी चौबे, महिला ते बाल विकास राज मंत्री दिबाश सी, सिक्ख्या राज मंत्री संजय धोत्रे, सूखम लघु ते मध्यम उद्योग राज मंत्री प्रताप सारंगी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री अते सीनियर कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह का देहांत हो गया है। वीरभद्र सिंह ने आज शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज विच आखिरी साह लिया। वीरभद्र सिंह पिछले कई दिनों तो बीमार चल रहे सन, वो कुछ दिनों तो हस्पताल विच इलाज अधीन सन। 87 साल वीरभद्र सिंह 5 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके ने। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अते रवि शंकर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री मंडल दे विस्तार तो पहला अस्तीफा दे दिता है। प्रकाश जावड़ेकर सूचना अते प्रशासन मंत्री दे नाल नाल वातावरण, जंगलात अते मौसम परिवर्तन मंत्रालय नूं संभाल रहे सन। इस दे नाल ही रवि शंकर प्रसाद ते कानून अते IT मंत्रालय दी जिम्मेवारी सी। इन्हां दोवां मंत्रियां दे अस्तीफे तो बाद हुण केंद्रीय मंत्री मंडल तो अस्तीफा देण वाले मंत्रियां दी गिनती 12 हो चुकी है। इन्हां दोवां मंत्रियां तो पहला DV सदानंद गौड़ा, थावर चंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष कुमार गंगवार ने कर्नाटक दे राजपाल दे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। इस तो इलावा संजय धोत्रा, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी अते दिबाश सी चौधरी ने भी मंत्री अहुदियां तो अस्तीफा दे दिता है।
पंजाब विच झोने दे सीजन दौरान बिजली कटां तों परेशान किसान थां थां तों रोस प्रदर्शन कर रहे ने, जदों कि बरनाला जिले दे पिंड करमगढ़ दे विच 6 पिंडां दे किसान 25 जून तों लगातार बिजली सप्लाई दी मंग कर रहे ने। इस दे लई किसानां दे वल्लों लगातार प्रदर्शन भी कीता जा रहा है, पर इस दौरान बीती रात कुछ शरारती अंसर बिजली ग्रिड ते आए ते उन्हां दे बिजली विभाग दे कर्मचारियां दे नाल दुर्व्यवहार कीता। इस तों बाद मुलाजमां दे वल्लों पुलिस नूं शिकायत दर्ज कराई गई है। उधर विरोध कर रहे किसानां ने कहा कि जदों तक किसानां नूं 8 घंटे तक निर्विघन बिजली सप्लाई दा भरोसा नहीं मिलेगा, धरना दिन रात जारी रहेगा। उधर ग्रिड ते काम कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि बिजली दी घाट कारण कटौती हो रही है, पर किसानां नूं 8 घंटे बिजली मिल रही है। इस मामले संबंधी वधेरे जानकारी दिंदिया प्रदर्शनकारी किसाना मेजर सिंह, हरकमल सिंह, सुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार दे वल्लों झोने दे सीजन दौरान 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई देने दा कीता गया वादा पूरी तरह फेल साबित होया है। उन्होंने कहा कि पंजाब दी कैप्टन सरकार 8 घंटे बिजली मुहैया कराउण दे विच नाकामयाब रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सोनिया गांधी नाल हुई मुलाकात तो बाद पंजाब कैबिनेट फेर बदल दियां संभावनावां मजबूत हो गईयां ने। मन्या जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा विरोध करन वाले माझे दे 3 मंत्रियों दी छुट्टी हो सकती है। उत्थे बुधवार नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते उन्हां दे प्रधान सलाहकार अते प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर विचाले दिल्ली च मीटिंग हुई। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग दे विच मुख्यमंत्री ने भविख दी रणनीति नूं लैके चर्चा कीती गई है। मुख्यमंत्री दे दिल्ली स्थित सरकारी निवास कपूरथला हाउस दे विच हुई इस मीटिंग नूं खासा महत्वपूर्ण मन्या जा रहा है, क्योंकि मंगलवार नूं मुख्यमंत्री दी सोनिया गांधी नाल करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई सी। इस मगरों कांग्रेस दे अंदरूनी कलेश नूं लैके स्थिति स्पष्ट होण लग गई है। मन्या जा रहा है कि सोनिया गांधी ने एक बारी मुड़ कैप्टन ते ही भरोसा प्रगटाया है। इस मीटिंग दे एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर नाल मुलाकात की थी। उथे पार्टी दे उच्च पदरी सूत्र दसदे ने कि सोनिया गांधी नाल मुलाकात दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री मंडल दे प्रदेश कांग्रेस च वी फेरबदल दी तजवीज रखी गई है, जिस ते सोनिया गांधी ने सहमति दे दी है। इस करके चर्चा चल रही है कि छेती ही पंजाब कैबिनेट च फेरबदल हो सकता है।